ये मेरा पालतू शेर है जो कि खाने में सिर्फ मोबाइल का डेटा खाता है। ये थॉमस जेफरसन मेमोरियल है। चलिए आइए इसके अंदर तक देखते हैं। अरे वाह, इसके अंदर तो इनकी मूर्ति भी है। लोग आईफिल टावर और ताजमहल में ऐसा करते हैं, हम तो घर बैठे गेटवे ऑफ इंडिया में ऐसा कर लिए। इसे देखने के बाद मुझे आज पता चला कि लीवर आँख के नीचे नहीं ऊपर होता है। कुछ समय पहले तक AI, AR, VR जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ चुनिंदा हाई एंड स्मार्टफोन में ही आती थी, लेकिन आज के सभी स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इतने सक्षम है कि वह इन तीनों टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं। वैसे आपने अभी इस वीडियो की शुरुआत में जो भी शॉर्ट क्लिप देखा वह ऑगमेंट रियलिटी, जिसे शॉर्ट में AR कहते हैं, की वजह से बन पाया। हम AI की ही मदद से ऑब्जेक्ट को कैमरे के द्वारा रियल वर्ल्ड के अंदर देख सकते हैं, और इसकी ही मदद से स्नैपचैट, फेसबुक चैट, गूगल डियो जैसे ऐप में आप अपने फेस को कार्टून या फिर एनिमेटेड कैरेक्टर में बदल कर देख पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग दुबे एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ टू एक्सपीरियंस 3D एंड ऑगमेंट रियलिटी इन गूगल सर्च। अगर आपके पास एंड्रॉयड 7 या फिर इससे ऊपर के वर्जन वाला एंड्रॉयड फोन या फिर आईफोन 6S या उससे लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन है, तो आप गूगल में सर्च करके अभी लगभग 102 ऑब्जेक्ट को 3D में अपने कैमरे की मदद से अपने प्लेस में देख सकते हैं और ऑगमेंट रियलिटी का अनुभव कर सकते हैं। यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आप पोकेमोन गो गेम में अपने प्लेस में पोकेमोन्स को पकड़ते हैं। इस समय आप गूगल में सर्च करने पे 13 टाइप के लैंड एनिमल, 6 टाइप के पानी या फिर नदी के पास रहने वाले जीव, 3 टाइप के बर्ड्स, 7 तरीके के पेट, 14 टाइप के ह्यूमन एनाटॉमी सिस्टम और 24 तरीके के सेलुलर स्ट्रक्चर, 18 केमिस्ट्री, 8 बायोलॉजी तथा एक फिजिक्स टर्म्स, 6 कल्चर हेरिटेज साइट्स तथा 2 कल्चर ऑब्जेक्ट्स को 3D में AR की मदद से अपने प्लेस में देख सकते हैं। आप इस लिस्ट में से कोई भी एक नाम सेलेक्ट करके उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं और उसका 3D रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि मैं ये टाइगर सर्च करता हूँ जो कि उन 102 नामों में से हैं। तो जैसे मैं ये टाइगर सर्च किया तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं व्यू इन 3D, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही मैं ये क्लिक किया तो ये मुझे 3D में ये टाइगर दिख रहा है। अब मुझे बस व्यू इन योर स्पेस इस पर क्लिक करना है और ये टाइगर मुझे अपने प्लेस पे दिखाई देने लगा। अब मैं इसकी साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ और इसे दाएं बाएं अपने हिसाब से कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। वहीं इसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये फोटोसिंथेसिस इसे सर्च करता हूँ तो पेड़ों में फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, या तो इसे देखने के लिए तो ये उसका 3D रिजल्ट आ गया। अब मैं इसे व्यू इन योर स्पेस इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये अब ये मेरे स्पेस में ये मुझे दिखने लगा। वहीं बाकी चीज़ें भी जैसे ये मोनोसाइट इसे भी व्यू इन 3D मैं देख सकता हूँ व्यू इन योर स्पेस घूम करके। वहीं इसे देखिए, इसके अंदर भी जा करके आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये ब्लड सेल्स। इससे आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझने में आसानी होगी। वैसे यह फन के लिए तो बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें आप कई तरीके के एनिमल्स के साथ अपनी पिक ले सकते हैं या फिर उनके साथ वीडियोस बना सकते हैं। वहीं यह बच्चों में बायोलॉजी स्ट्रक्चर तथा केमिस्ट्री के बाउंड्स को समझने में काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि 3D में इमेज देखना और उसे समझना 2D की तुलना में काफ़ी आसान है और यह आपके काफ़ी ढेर सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
वहीं अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।